प्रदेश चकटा दलाचकटा मम छबिन दला चकटार जीवन हारिन्छ शे षोजना हर जिल्ला रतिभानपुर आयोजित प्रवचन सभार दला चकट शोह जनको मृत्यु हुन्छ मृतकङ मध्ये बहुसङ्ख्य महिला ए शिशु मृत्यु संख्या वृद्धि आशंका आशंकाही दला चकटा घटना कु गभीर दुख प्रकाश गरिन्छ प्रधानमन्त्री योगी सरकार मृतकको परिवारको दुई लक्ष टा लेखा अनुकंपामूलक सहायता आहतको पचास हजार टंका ସହାୟତା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଘଟଣା ଭୋଲେ ବାବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦଳା ଚକଟା ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଦଳା ଚକଟା ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି অনুমান ঠার বহু লোক সমাগম ফলে ভিড় নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন বিফল হয়েছিল সেপটে সৎসঙ্গের প্রবচন দেওয়া ভোলে বাবা খোঁজুচি পুলিশ রামকুটীরা চারিটেবল ট্রসে সারা রাতে ছানভিন পরে বি বাবা আজ হাত্রস যাইপার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আপনাদের ভিজুয়াল দেখিপার্থ গোটে পটে পুলিশ বাবা খোজুন্ধু

हस्पिटाले जो मैंने निज प्रियजन को निज आत्मीय को हर से आखि आज भी समझुचे तो हमें तो शाम के लिए सात बजे के लिए वो इनफर्मेशन मिली थी मतलब वीडियो भीडियो थ्रु सदरा गए थेंदरा उसके बाद एट गए मतलब वहाँ पर इनफर्मेशन कोई भी नहीं मिली वहाँ चार बॉडी मिली थी हमारे लिए देखने के लिए उसमें कोई नहीं था फिर मतलब रात में फिर इधर आए थे इधर आने के बाद फिर यहाँ पे हमें एक बॉडी मिली थी अपनी जो भी है नहीं ऐसा कुछ हमें मालूम नहीं है मतलब किस किस कारण हुआ है पर अभी सपोज चल रहा है मतलब क्या हो सकता है पता नहीं हमारी दादी जी हमारी दादी जी हमें कल पता चला था शाम के जन्मा तो हम कल हमने वीडियो देखी थी ग्रुप पे आई थी उसे देख के फिर हमें आए थे नहीं हम तो अभी आएँ फ़िलहाल देखो अभी हमें एक आधा घंटा ही हुआ है आए तो हम आए फिर वो पंचनामा लिखा जा रहा है तो बॉडी हमारी पोस्टमार्टम के लिए है जो आसम से गाड़िया पब्लिक पप लोग आ रहे जा रहे हैं जो है आ रहे हैं जा रहे हैं वो कल रात से उनको रोक के रखा गया था, था। हमने नहीं, नहीं रुका आपकी पुलिस ने रोका था उनको निकलने नहीं से नहीं रोका किसी को किसी को नहीं रोका गया नहीं, नहीं, क्यों नहीं तो तो हम अब अभी अभी पुलिस ने कवर किया है कवर स्वच्छता दिशा किया गया है अच्छा क्या कुछ संदेह लगता है किसी के साथ कोई हादसा नहीं वो यहाँ पर जो लोग हैं रुके हैं हमारे यहाँ बिछवा क्षेत्र में उनके स्वच्छा दिशा उनके हम लोग कवर किए हुए हैं अभी आसम से कितनी गाड़ियाँ निकली लोग लोग आ रहे रहे हैं हैं जा तो घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं प्रदेश सरकार के तीन मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से संदीप सिंह जी से असीम अरुण जी ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप के घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को दो दो लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी पचास पचास हजार रुपये की सहायता की घोषणा की है राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा यह हादसा है या साजिश यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत तो दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी यदि आपन को हम वीडियो टी भल लागिला तबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी बोलंतु तो नहीं